दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के मन में आती है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना कि लोग समझते हैं। वैसे इसमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी होती है, इसमें वोकेबलरी सीखनी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हेजिटेशन को दूर भगाना होता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी टंग पर इंग्लिश के सेंटेंसेस आने लगें। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंसेस आपकी टंग पर चढ़ें और आपकी टंग से अपने आप निकलने लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को सबसे पहले बोलना सीखें। क्योंकि आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखना। हमने रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की एक सीरीज शुरू की है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट कॉलम में जा सकते हैं और वहाँ पर अक्सर बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। इस वीडियो में भी मैं आपके पास बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिन्हें आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन आपके लिए वो सेंटेंसेस बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हिंदी में तो उन सेंटेंसेस को बोल लेते हैं, लेकिन जब बात होती है इंग्लिश में बोलने की तो आप अटक जाते हैं। तो आज उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो फ्रीक्वेंटली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की इस सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस कौन से हैं, चलिए बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब वो किसी से विदा हो रहे हैं, जब किसी से अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तब उससे अक्सर कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। बहुत से लोगों को इसका इंग्लिश मतलब मालूम होगा, इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाता है टेक केयर। अगर आपको कोई चीज़ किसी को थमानी हो, कोई चीज़ किसी को दे दी हो, उस समय हम अक्सर बोलते हैं ये लो। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा टेक इट, ये लो। इसी तरह से कोई चीज़ किसी को देते समय हम कहते हैं इसे घर ले जाओ, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा टेक इट होम, इसे घर ले जाओ। इस बात को हम ऐसे भी बोलते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा टेक इट विद यू। अक्सर सही मौके पर सही काम करने के लिए हम लोगों से कहते हैं कि मौका देखकर चौका मारो, इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, मौका देखकर चौका मारो। बहुत ज़्यादा सरल सी बात है, इंग्लिश में भी बहुत ईजी सा लग रहा है सुनने में। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, इसको इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। आयरन यानी कि लोहा होता है, और स्ट्राइक मतलब उसको पीटना होता है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट यानी कि लोहा जब गर्म है तो उस पर स्ट्राइक करो, तब उसे पीटो। वैसे इसे हिंदी में भी कहा जाता है लोहा गर्म है हथौड़ा मारो। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, मौका देखकर चौका मारो, या फिर लोहा गर्म है हथौड़ा मारो। हमसे कोई गलती हो जाती है, उस समय हम फिलोसोफर होकर अक्सर बोलते हैं कि मनुष्य गलतियों का भंडार है, इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा मैन इज बंडल ऑफ एरर्स। मैन इज बंडल ऑफ एरर यानी कि मनुष्य गलतियों का भंडार है। कभी कभी कोई आपके काम में बेमतलब दखलअंदाजी कर रहा है, उस कंडीशन में हम अक्सर उससे कहते हैं अपने काम से काम रखो, इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस यानी कि अपने काम से काम रखो। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे फालतू बोल रहा है, आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपसे उल्टा सीधा बोल रहा है, उस कंडीशन में आप अक्सर उससे कहते हैं अपनी जबान पर लगाम दो, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा माइंड योर टंग या फिर माइंड योर लैंग्वेज। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, या तो लोग आपसे कह रहे हैं, या आप किसी से कह रहे हैं, या किसी और से लोग कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि कोई फालतू बकबक कर रहा है, तो उसके बारे में अनुमान लगाते हुए हम अक्सर कहते हैं, हम सोच लेते हैं कि इसका कुछ बुरा होने का है, इसके साथ में लड़ाई झगड़ा होने वाला है, इसलिए हम उससे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा मिसफॉर्च्यून्स स्पॉइल्स द माइंड, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
कभी कभी हम किसी चीज़ का नाम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, किसी चीज़ का या किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, और जब हम उससे मिलते हैं या जब उसके पास जाते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मच क्राई लिटिल वुल। ऊंची दुकान फीके पकवान, मच क्राई लिटिल वुल। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे किसी खास व्यक्ति पर कोई मिसफॉर्च्यून आता है या उसे किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, उससे हम अक्सर कहते हैं मेरी पूरी सांत्वना तुम्हारे साथ है, मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। तो इंग्लिश में कहा जाएगा माई फुल सिंपैथीज आर विद यू, मेरी पूरी सांत्वना तुम्हारे साथ है। हमारा कोई खास बहुत बड़ी गलती कर देता है, उससे हम अक्सर कहते हैं ऐसा दोबारा कभी मत करना। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नेवर डू इट अगेन, ऐसा दोबारा कभी मत करना। कोई आप में कमी निकालता है या आप किसी में कमी निकालते हैं तो वो आपसे या फिर आप उससे अक्सर कहते हैं दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नोबडी इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि हम फोन पर कुछ सुनते हैं, किसी घटना के बारे में सुनते हैं, किसी मिसफॉर्च्यून के बारे में सुनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं होती, तब हमसे कोई या हम किसी और को समझाते हुए कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं। इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा नॉट टू वरी अबाउट, या फिर कह सकते हैं नॉट टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं। फ़ोन पर बात करते हुए हम अक्सर पूछते हैं और कुछ, या फिर खाने की टेबल पर हम अक्सर पूछते हैं कुछ और, उस कंडीशन में हमें अक्सर जवाब मिलता है और कुछ नहीं। तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा नथिंग मोर, और कुछ नहीं। तो ये था आज का फ्रीक्वेंटली स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस का एक वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।